क्या आप भी चाहते हैं अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो पाना? तो ये वीडियो आपके लिए है। नीचे जैसा कि आप सभी जानते हो विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी सूखी बेजान हो जाती है और हम क्या करते हैं महंगे से महंगे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारी स्किन जो है हाइड्रेट नहीं रहती है। तो आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे नट्स और सीड्स के बारे में जिसको आप खाकर अपनी स्किन को नेचुरली तरीके से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, हाइड्रेट कर सकते हैं और तो और आपको मॉइस्चराइजर और किसी भी प्रकार की क्रीम लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपकी स्किन की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपकी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसे भी पूरा करने में हेल्प करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रीति डायरी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे सीड्स के बारे में और नट्स के बारे में जो आपके चेहरे को नेचुरली तरीके से खूबसूरत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो वो नट्स और सीड्स कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड्स के बारे में। तो नंबर 1 पे आती है जो मेरी फेवरेट है वो है पंपकिन सीड। जी हाँ, कद्दू के बीज में विटामिन ई समेत फैटी एसिड भी होते हैं। जी हाँ, सुबह के नाश्ते में यदि आप रोज इसे एक चम्मच इंक्लूड करते हो तो इसे आपके चेहरे को ये फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये आपके चेहरे पर मॉइस्चर को बनाए रखता है। जैसे अक्सर हम क्या होता है विंटर सीजन में कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं चेहरा थोड़ी देर बाद ड्राई और बेजान हो जाता है, लेकिन जब आप पंपकिन सीड का इस्तेमाल करते हो नाश्ते में एक चम्मच एवरीडे तो क्या होता है कि आपके चेहरे पर मॉइस्चर मतलब मॉइस्चराइजर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉपर मॉइस्चर को बनाए रखता है। नंबर 2, चिया सीड्स। जी हाँ, चिया सीड्स जो होता है ये सबसे पहला काम तो ये करता है कि आपके चेहरे को आपके बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को नरिश करने के साथ साथ त्वचा को ग्लोइंग भी बनाते हैं। इसमें जो मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वह त्वचा की नमी को लॉक करने का काम करता है। अब ये जान लीजिए चिया सीड का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या करना है, एक चम्मच चिया सीड को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और 10 से 15 मिनट के बाद में इसको पी लीजिए रोज सुबह खाली पेट, और खाना खाने के बाद भी या दही के साथ भी इसको ले सकते हैं। नंबर 3 है सनफ्लावर सीड, मतलब सूरजमुखी के बीज। जी हाँ, इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको एजिंग के साइन से दूर रखते हैं और त्वचा पे जो नेचुरल निखार होता है उसको बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए आज ही से सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कितना करना है, एक चम्मच एवरीडे। नंबर 4 बात करते हैं हेम्प सीड। हेम्प सीड जो होता है चेहरे पर कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ चेहरे पर अलग से ग्लो लाता है, चमक लाता है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। ये है अनइवन जो स्किन टोन हो जाती है उसको बेहतर बनाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपके चेहरे को एजिंग की जो प्रोसेस होती है उसको धीरे कर देता है। जैसे आपके बॉडी में जो एजिंग बढ़ रही है, एजिंग के साइन जो बढ़ रहे हैं उसको उसका जो प्रोसेस है ये धीमा कर देता है। तो इस प्रकार से ये हेम्प सीड जो है आपकी खूबसूरती बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कमाल की सीड्स है ये, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। नंबर 5, फ्लैक्सीड मेरा फेवरेट है। जी हाँ गाइस, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके चेहरे को जवा बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो त्वचा की कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं जिससे हमारी स्किन जो है हेल्दी रहती है और किसी भी प्रकार की झाइयाँ झुर्रियाँ नहीं रहती हैं हमारे चेहरे पर। नंबर 6, बादाम होता है। बादाम जो होता है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे गुण होते हैं जो त्वचा से सूजन को दूर करने का काम करते हैं और ये विटामिन ई का बहुत बढ़िया सोर्स है और शायद इसीलिए विंटर सीजन में जो स्किन ड्राई हो जाती है उससे ये हमें बचाने में सबसे कारगर है। तो विंटर सीजन में मेरा कहना मानिए और बादाम खाना आप स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 4 बादाम रोज़ रात को भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए उसको, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7, ब्राज़ील नट्स में सेलेनियम होता है जो त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में सहायक होता है और ये त्वचा को हाइड्रेट भी रखता है, तो इस प्रकार से बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। नंबर 8, अखरोट। अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन बी होता है जिससे आपके चेहरे पर कोलेजन को बूस्ट करता है, चेहरे पर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हो जैसे झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो, इन सबको मिटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हाँ, नंबर 9, खजूर। खजूर जो होता है ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है स्किन को खूबसूरत बनाने में।
तो इस प्रकार से ये सारे नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं, अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाएं।